तो दोस्तों फैक्टम पे आप लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे देखते रहते हैं जिसकी ज़रूरत है और जो जनहित की बात है। आज मैं आपको ज़िला मुरादाबाद के तहसील बिलारी के एक गाँव में लाया हूँ जिसका नाम है रूपपुर। रूपपुर में ये कहानी है असलम की। असलम एक गरीब व्यक्ति है और 12 से 13 साल से वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसे एक छत मिल जाए जिसमें वो अपने बीवी बच्चों के साथ में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके। मैं ये इस जगह इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक शौचालय बना है। ये शौचालय है ना, शौचालय, घर घर शौचालय या इज्जत घर भी कह सकते हैं इसे, कई सारे नामों से इसे जाना जा रहा है आज देश में। ये शौचालय तो है पर इस शौचालय के साथ में अगर हम असलम का मकान देखें, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो असलम का मकान बिल्कुल कच्चा है। और मकान कहाँ है, मकान की जगह ये झोंपड़ी है और इसे तो झोंपड़ी की शक्ल भी नहीं कहा जा सकता। ये तो एक बहुत कमज़ोर सा छप्पर है जिसमें ये लकड़ी का पिलर लगा है और जो कभी भी फिसल जाता है, बरसात आती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। और पिछली बरसात में जो गंभीर बारिश हुई थी उसमें ये छप्पर भी गिर गया था, ये छप्पर नीचे गिरा था और असलम और असलम के 3 से 4 बच्चे वो सब यहीं पानी में थे, कीचड़ में थे। और ये एक चूल्हा है जहाँ पर असलम और उसकी बीवी कुछ खा पका के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। और ये असलम है और ये असलम की बीवी हैं, ये असलम के बच्चे हैं। मैं इसमें ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, मतलब अगर मैं अंदर जा रहा हूँ तो ठीक से मैं अंदर जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लगभग 6 फीट जगह अंदर है और लगभग ये 12 फीट चौड़ा है। तो 12 फीट बाई 6 फीट का एक ऐसा छप्पर जो बहुत ही खस्ता हालत में है। और असलम यहाँ पर 13 साल से रह रहा है, 13 ईयर्स, 13 साल से असलम सरकारी विभागों के चक्कर काट रहा है। वो उस आवासीय योजना का इंतज़ार कर रहा है जिस आवासीय योजना के अंतर्गत छत मिलती है, लोगों को सहारा मिलता है, लेकिन असलम को अब तक क्यों नहीं मिला, सवाल यही है। असलम कहता है कि साहब मुझ पे रिश्वत के लिए 20 से 25 हज़ार देने के लिए नहीं है और यही वजह है कि मुझे अभी तक वो कॉलोनी नहीं मिली जो सरकार से गरीबों को छत के तौर पर मिलती है। असलम की कहानी बड़ी रुलाने वाली है। यही वजह थी कि मैं चाहता था कि ये स्टोरी आप लोगों तक पहुँचे क्योंकि ये किसी की पर्सनल ज़िंदगी की कहानी है। मतलब 10 बाई 6 का एक कमरा, जो कमरा नहीं है, छप्पर है, एक गरीब इंसान अपनी बीवी के साथ में रहता है और पूरा सामाजिक ताना बाना फेल हो गया है यहाँ पर। अगर असलम की मदद सरकार नहीं कर सकी तो उसका गांव, उसका देहात, उसका क्षेत्र भी नहीं कर पाया। अभी पीछे बरसात में जब असलम की ये छत, ये जिसको मैं छत कह रहा हूँ, जब असलम की ये छत गिरी थी तब असलम ने तहसील के बहुत चक्कर लगाए। असलम को आप लोगों की ज़रूरत है तो इसमें हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा। असलम की बात और उसके बच्चों की बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी और उसको उस मदद का इंतज़ार है जिस मदद से उसकी ये छत बन सकेगी। मैंने ये बीड़ा उठाया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बीड़े में शामिल हो और हम चाहते हैं कि असलम को वो छत मिले। मैं असलम से उसका अकाउंट नंबर लेकर के इस वीडियो में मेंशन करूँगा और अपनी संस्था की तरफ से उसकी कुछ मदद भी करूँगा, सहयोग भी करूँगा। और मैं मतलब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि असलम का ये चार दीवारी हमें मिलके बनानी हो और उसके बच्चों का मुस्तकबिल जो 13 साल से इसी छप्पर में रह रहा है उसको बनाने की थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। असलम जो है वो दोनों टांगों से लगभग बेकार है क्योंकि एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें खराब हो गई थी, दोनों टांगों में रॉड पड़ी है। वो चल तो सकता है लेकिन बहुत बड़ा भारी भरकम काम नहीं कर सकता। हो सकता है मैं अपनी बातों में ज़्यादा बोल गया हूँ, स्टोरी मैंने जो बताई है, लेकिन वो बात ही ऐसी थी कि मुझे भूलना पड़ा। असलम हमारे साथ है। असलम 13 साल इस कुठरिया में गुजार दिए तुमने, गांव ने मदद नहीं की, सबसे पहले तो मैं सर, किसी ने मदद नहीं की। मैंने कोई दर नहीं छोड़ा, जिस जगह मैं गया नहीं, अपने भरे हाथ ले गए, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, कमजोर की कोई नहीं सुनता है सर। हार के फिर अब लास्ट ये आज भी लोग जाकर मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया, मैं अब कहीं नहीं जाऊँ। मैं यहाँ तक भी हूँ, इस गाँव से भी जाकर कहाँ जाऊँ, बच्चों को लेकर कहीं फुटपाथ में रहूँ तो बच्चों को गुजर नहीं होगी, इसलिए पढ़ाऊँ क्या अपना टाइम कैसे काट रहा हूँ। मुझे अपने हालातों की पता है, मुझे राशन तक का नहीं मिलता था इस गाँव के अंदर, लेकिन ये भी 4-4 महीने से मेरा राशन कार्ड बन गया है। मैंने कोई दर नहीं छोड़ा, जिस जगह मैं गया नहीं, लेकर नखलऊ से लेकर DM साहब के कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आज तक सिर्फ कागज और फोटो स्टेट ही मिली है या मोबाइल नंबर मुझे एक केवल, और कुछ नहीं मिला। अगर शायद मैं वजन उठा के चलूंगा तो मैं मरता हूँ, इतने बहुत से कागज रखे मेरे पास में, फोटो स्टेट होगी, केवल फोटो स्टेट ही मिलती है जहाँ भी जाऊँ मैं। कहाँ बस किसी ने आज तक कुछ ये नहीं है, गांव के अंदर सब काम हो रहे, कौन सा काम रुका हुआ,
मकान भी बनने हैं लोहिया में, 3.5-3 लाख रुपए के आवास मिले लोगों को, सब कुछ मिला, लेकिन मुझ पर रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता, कहाँ से लाऊं 20-25 हज़ार रुपए होते तो अपनी बना कर खुद रह लेता, किसी के आगे क्यों टक्कर मारता मैं जाकर। कितनी चारपाइयां हैं तुम्हारे पास? तीन चारपाइयां। इन्हीं 3 चारपाइयों में 13 साल गुजार दी सर, मजबूरी है गुजारना, क्या करें सर, अपने टाइम काट दी। और ये छप्पर, ये 6x10 का छप्पर है तुम्हारा, इसमें आग भी लगी थी मैंने सर, आग लगी थी इसमें, लेकिन मुआवजे की सब कुछ के तो मैंने अब दूसरा किसी साहब अपने कर मर करके मजदूरी करके, और मुझे साहब पीडीओ साहब ने 2 कंबल दिए थे सरकारी मिले हुए हैं बस सिर्फ सर्दी में, वो कंबल सर्दी में जनवरी में मैं नखलऊ गया था मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, तो केवल मकान के लिए अनिवासन दे दिया मुझे, खाली कंबल देकर मुझे टाल दिया, मकान की जरूरत थी तो मुझे शौचालय दे दिया। इस दर्द भरी कहानी में मैं विलेन ढूंढ रहा हूँ, विलेन कहाँ है, क्योंकि अब असलम को तो हीरो में कह नहीं सकता, हीरो तो अब आएगा, मतलब हीरो वो होता है जो कमजोरों की, गरीबों की, दुखियों की, बेसहारों की मदद करता है, और वो हीरो आप लोग हो। असलम की कहानी छोटी कहानी नहीं है, 13 साल की कहानी को अगर मैं 13 मिनट में दिखाऊं तो शायद मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि 13 महीने में हम वो कर सकते हैं जो 13 साल में नहीं हुआ। सोशल मीडिया की ताकत को मैं जानता हूँ, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, बहुत गरीब बहनों की शादियाँ हमने कराई हैं, बहुत लोगों को उपकार हुए हैं, बहुत गरीबों की मदद हुई है इसके जरिए। सोशल मीडिया की वो ताकत है कि अगर आपने 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये भी अगर इस मदद के लिए भेजे, तो एक दिन ये जो छप्पर है, जो आज छप्पर की शक्ल में है, हो सकता है कि कल को एक छोटा सा मकान लोगों को इसमें दिखाई दे, और वो आपकी मदद से होगा, और आप इस फिल्म के हीरो हो सकते हैं, और मैं एक कोशिश करने वाला हो सकता हूँ, और आज मैं जो भी छोटी सी मदद करूँगा असलम की, वो मैं अपने हिस्से से कर सकता हूँ, वो मैं आपको बस मेरी ये कोशिश है कि ये असलम की ये कहानी आप दूर दूर तक स्प्रेड करें, और इसमें हम QR कोड दे रहे हैं, असलम का खाता नंबर दे रहे हैं, और अपना भी एक संस्था का QR कोड इसमें ज़रूर देंगे, जिससे हम लोगों की मदद करते हैं। आप जो भी मदद हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से भेज, अब आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? लोगों से यही कहना चाहता हूँ सर, क्या बोले, मुझसे इस परेशानी से निकल दें, मुझे इस गरीबी से अपनी, मैं साहब बहुत दिक्कत हो गया, मैंने इससे ज़्यादा पैसा अपना इन कागजों में खर्च कर दिया, जितना अगर मैं हिसाब लगा 100-100 रुपये से 200-200 रुपये से इकट्ठे करके अपने मजदूरी करके उसमें से बचा के अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर थक गया, बस यही है कि मैं इस दलदल से निकल जाऊँ तो अच्छा है, शायद मेरे बच्चों के लिए, वो जब मेरे लिए ना हो मैं छप्पर में सारी जिंदगी, लेकिन मुझे अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। मुझे यकीन है आप असलम की बात जरूर सुन रहे होंगे, सरकार से तो आग्रह है ही मेरा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग असलम की कहानी उन तक भी पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस आवाज को बहुत बड़ा कीजिएगा और पूरी दुनिया तक इसे फैलाइएगा, ताकि असलम की मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।